नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। अब तक यह फाइलें गुप्त रखी गई थी। ममता के इस कदम से नेताजी के जीवन से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है। यह भी माना जा रहा है कि इन फाइलों में नेताजी की मौत का राज भी दफन हो सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अब तक नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने से रोकते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी महिला आसिया अंद्रा भी गिरफ्तार। मनाया था पाक का स्वतंत्रता दिवस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को चरमपंथी महिला संगठन दुख्तराने मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्रा भी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। पिछले महीने पाकिस्तानी झंडा फहराने के कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि आसिया ने 14 अगस्त को अपने आवास पर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया था और पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाते हुए शहर के बाहरी इलाके में पड़ोसी देश का झंडा भी फहराया था। पाक नौसेना ने की भारतीय मछुआरे की हत्या। जम्मू कश्मीर सीमा पर लगातार संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद पाकिस्तान ने अब समुद्री सीमा पर भी गोलीबारी शुरू कर दी है। गुजरात में द्वारका के पास समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई। पाकिस्तानी नौसेना ने शुक्रवार को हादसा इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर एक बोट पर गोलीबारी की। गोलीबारी के समय मछुआरे भारतीय सीमा में मछली पकड़ रहे थे। चिली भूकंप में मृतक संख्या 10 हुई। 10 लाख लोगों को हटाया। चिली में बुधवार रात आए 8.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। चिली के भूकंप इतिहास में यह छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप के केंद्र बिंदु से करीब 1500 किलोमीटर दूर पूर्व में ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना जैसे शहरों में भी इमारतें हिल गईं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।